हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने आए हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी KGMU की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इससे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी पे हम बात करेंगे डिटेल में। फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी KGMU नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 1291 पोस्ट के लिए आपके नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कि रिक्रूटमेंट के बारे में हम तो डिटेल में जान लेते हैं, पर फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसमें आपका जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका किंग जॉर्जस मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU है। पोस्ट नेम आपका नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ग्रेड 2 है। इसमें आपके जो अटैच नंबर है वो आपके KGMU नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 है। वैकेंसी आपकी 1291 पोस्ट है। सैलरी पे स्केल है वो आपकी 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 पे एट्रिक्स आपकी यहाँ पे रहने वाली है। लॉब लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश यूपी है। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की आपकी 10 अगस्त 2023 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है। कैटेगरी आपकी यूपी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2023 है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी KGMU.org है। एडमिशन फीस है उसके बारे में यह देख लेते हैं तो आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की आपकी 1180 रुपए है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की आपकी 708 रुपए है और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है। यहाँ पे आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट है तो यहाँ पे आपकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 22 जुलाई 2023 है। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की आपकी 10 अगस्त 2023 है। एग्जाम डेट अभी आना बाकी है। पोस्ट डिटेल्स एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 28 से 40 ईयर है, जो आपकी कैलकुलेट 1/1/2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी। एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट नेम है वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर है। वैकेंसी आपकी 1291 पोस्ट है, जो आपकी अनरिजर्व की आपकी 510 आपकी वैकेंसी है। एससी की आपकी 279 पोस्ट है। एसटी की आपकी 26 पोस्ट है। ओबीसी की आपकी 348 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 128 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन आपकी बीएससी नर्सिंग और GNM प्लस में 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं तो आपका यहाँ कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जाम CBT होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर रहने वाला है। मोड ऑफ एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड है, CBT होगा। यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट है, क्वेश्चन और मार्क्स है उनको यहाँ देख लेते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड नर्सिंग के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज की आपके जीके के यानी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो आपके 100 होंगे और मार्क्स इसके 100 रहने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट KGMU नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें अपने आपको एलिजिबल समझते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।